बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए सच दिखाते हैं। कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग लगातार पूरी तरह से अलर्ट दिख रहा है। वहीं सितारगंज के इस्लाम नगर मोहल्ले के वार्ड नंबर 5 के 2 घरों में और अचानक स्वास्थ्य विभाग की टीम के पहुंचने पर आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सरफराज व अबरार नामक दो युवक आज केरला से अपने घर में पहुंचे थे, जिनकी स्वास्थ्य विभाग ने की जाँच। साथ ही जाँचों की रिपोर्ट आने तक 14 दिनों तक घर के अंदर ही अकेले रहने की दी गई सलाह। दूसरों से मिलने पर भी लगाई पाबंदी। साथ ही 14 दिनों तक हर रोज किया जाएगा दोनों युवकों का स्वास्थ्य परीक्षण। मैं डॉक्टर मोहम्मद रफा, स्वास्थ्य विभाग से, सितारगंज से। जो हमारा मोटिव जो बेसिकली बाहर से अदर कंट्री से जो आज आए हैं लोग, उनको हम लोग टारगेट कर रहे हैं। पहले उनको हम लोग कर रहे हैं, या जो अदर स्टेट से आए हुए हैं उन लोगों को हम जाके घर पे जाके उनको स्क्रीनिंग कर रहे हैं, थर्मल स्क्रीनिंग, बाकी उनकी हिस्ट्री ले रहे हैं। और हिस्ट्री लेने के बाद उनको हम होम क्वारंटाइन के लिए सेल्फ आइसोलेशन की हम एडवाइस कर रहे हैं। ये इनकी स्क्रीनिंग हो गई है, इनमें कोई ऐसा साइन सिम्टम नहीं मिला है। केरला से आए हैं, केरला से। अच्छा, क्या निकला इनमें, क्या पाया गया इनमें? इनकी थर्मल स्क्रीनिंग हुई, टेम्परेचर नॉर्मल है, बाकी कोई भी ऐसा फीवर की हिस्ट्री नहीं है, कोई गला खराब की हिस्ट्री नहीं, कोई कफ की हिस्ट्री नहीं है। इनको हमने होम आइसोलेशन की सलाह दी है कि 14 दिन तक घर में रहेंगे, पानी का ज़्यादा सेवन करेंगे, अपने घरों में या अपने घर वालों से भी नहीं मिलेंगे, किसी पड़ोस आस पड़ोस वालों के पास 14 दिन तक।